सो मेरे क्लैट के बालक को बहुत परेशान हो वो कैप को लेके, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर, जी हाँ 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी वोकैब की परेशानी को ठीक कर सकते हो। जी हाँ 10 दिन के अंदर आप अपनी वोकैब की परेशानी को ठीक कर सकते हो। तो आइए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक क्लैट वोकैब्स, ठीक है जी, इन जस्ट 10 डेज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं, आइए बात करते हैं। तो भैया मेरा नाम है राहुल द्विवेदी, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए बीएड बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी में। एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसके अलावा हमेशा एक बार बोलता हूँ, आई एम टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन लव के साथ स्टार्ट करते हैं बेस्ट वे टू क्रैक वोकैब। देखिए मैं कुछ की पॉइंट्स लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये की पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाली है, मतलब बहुत इन द सेंस बहुत, समझ रहे हो, बहुत मतलब बहुत काम आने वाली है। थोड़ा सा मैं जरा कलर चेंज कर लूंगा ना, बैकग्राउंड डार्क। वोकैब वीडियो काटना पड़ा क्योंकि मुझे जो है वो चीज ला के आनी थी, मतलब ये पेज काटना पड़ा, समझ रहा। चूतिया यार नहीं हूं मैं भी, ये बोलने की जरूरत है। तो बाल को मैं बात करता हूं वोकैब की, भैया वोकैब को कैसे क्रैक किया जाए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यार हम लोग ना सबसे पहले सोचते हैं यार इतना सारा वोकैब है हम क्रैक कैसे करेंगे, इतने बड़े लेवल पे वोकैब क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको दो तीन चीजों में कैटेगराइज कर लो। सबसे पहला जो है रूट वर्ड, रूट वर्ड। देखो यार तुम्हें लगेगा रूट वर्ड ये कोई बात है, तुम्हारे इस रूट वर्ड, ये वर्ड लिख दिया मैंने वर्ड डब्ल्यू आर डी रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड तुम सोचोगे यार ये भी कोई बात है, हैं ये तो हमें पता है, रूट वर्ड से कर लो। देखो यार रूट वर्ड से अगर आप करते हो ना तो हमें कई बार लगता है कि यार रूट वर्ड से याद नहीं होता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अपने वोकैब को कम से कम नहीं चाहिए तो 10 रूट वर्ड में क्रैक कर लो। कैसे होगा आपको, देखो दुनिया में अनलिमिटेड वोकैब है, अनलिमिटेड वर्ड है, तो सारे अनलिमिटेड वर्ड तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें वो लिमिटेड पूछता है। लिमिटेड में से आपके 50%, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आपके 50% जो वर्ड है वो रूट वर्ड से बनते हैं, 50% वर्ड जो है रूट वर्ड से बनते हैं। तो 10-15 रूट वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आप इवन गूगल पे भी डालोगे ना, गूगल पे भी डालोगे कि भैया रूट वर्ड फॉर वोकैब, आपको ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे। तो उस रूट वर्ड को पहले याद करो। अब देखो कहना कि रूट वर्ड याद करने का मतलब भैया लिखो उस रूट वर्ड को, लिखो उसके सारे वर्ड्स लिखो। ये बहुत बोरिंग काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन ये सबसे ईजिएस्ट वे हो जाता है आपके वोकैब को क्रैक करने का। क्या, रूट वर्ड देखा पढ़ा फिर लिखा, लिखना बहुत जरूरी है रूट वर्ड को। आपने लिखा फिर जैसे जैसे आएगा उसको टाइम टू टाइम याद करना है। देखो आप बिल्कुल भी ये मत करो कि आपने जो है एक बारी में 50 रूट वर्ड, आपने एक बारी में 50 वर्ड पढ़ लिए और 50 वर्ड को रटे जा रहे हो, भैया इसका ये होता है, इसका ये होता है, ये ऐसे करोगे भूल जाओगे यार। कभी भी वोकैब याद नहीं की जाती है। दो तीन ट्रिक देता हूं, क्या, नेम, फ्रेंड, आईडी, वॉलपेपर। मतलब जैसे मान लो आपने कोई वर्ड सुना, एगोनिस्ट मींस हैंडसम मैन, क्वेलसम झगड़ालू, ठीक है, रिपल, ठीक है, हॉस्टाइल, आपने कुछ ऐसे वर्ड सुने जो आपको लग रहा है यार ये वर्ड जो है ना मैं भूल जाता हूं, ठीक है, अमोरस वर्ड है, ठीक है, तो ब्रेबी फिल है, तो इस टाइप पे कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको लगता है मैं भूल जाता हूं, तो आपने लोगों के नाम रख दो। जैसे एगोनिस्ट मींस हैंडसम मैन, किसी का नाम रख दिया आपने एगोनिस्ट, क्वेलसम झगड़ालू, किसी का नाम रख दिया आपने क्वेलसम, ठीक है, हुडविंक, हुडविंक का मतलब क्या है मुझे कमेंट करके बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुडविंक। ऐसे यार तुम क्या ही बताओगे, मैं पहले बताता हूँ, हुडविंक, हुडविंक, विंक विंक विंक, डब्ल्यू आई एन के, हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है आंखों में ढूल झोंकना, तो जो आंखों में ढूल झोंकता है उसका नाम रख दिया कहीं। तो आपने अपने नेम, अपने फ्रेंड्स के नेम, अपने रिलेटिव्स के नाम रख दो, आईडी बना लो, आईडी के नाम रख लो, या सबसे बढ़िया वॉलपेपर बना लो, वॉलपेपर जैसे 5-6 रूट वर्ड की वॉलपेपर ले लिया, तो ये कुछ ऐसे काम है जो आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा रूट वर्ड हो गया, पहला रूट वर्ड, दूसरा नेम दे दिया किसी को, तीसरा, सुनो तीसरा तरीका जो रूट वर्ड को याद करने का है वो है आपका पेपर। कौन सा पेपर, न्यूज़पेपर।
अब कहूंगा यार तुमने खराब कर दिया काम। न्यूज़पेपर में आपको नए वर्ड मिलते हैं आप डेली बेसिस पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये थकान भरा काम है, बोरिंग काम है, लेकिन काम आएगा। क्या डेली बेसिस पे? मात्र 10 दिन। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 10 दिन आप डेली बेसिस पे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, डेली बेसिस पे जो है 10 न्यूज़पेपर डेली लो और उसके कम से कम वो कैब लिखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको लगेगा आपने बहुत सारे वो कैब कर लिए एक दिन में, मतलब एक दिन में जो न्यूज़पेपर पढ़ा है उसके वो कैब लिख लिए। याद देखो वो कैब लिख कर रखना नहीं है, इसका ये, इसका ये, दोबारा बता रहा हूँ, लिखो भूल जाओ, लिखो भूल जाओ, क्या होगा जब तुम लाइफ में यूज करोगे अपने आप याद आ जाएगा। वो कैब रटना नहीं होता, वो कैब को अपनी लाइफ में यूज करोगे तभी याद आएगा, ठीक है? यूज करोगे तभी याद होगा, अदरवाइज याद ही नहीं होगा, याद रखना याद ही नहीं होगा, यूज करो याद होगा, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा जो तरीका है रूट वर्ड को याद करने का, सॉरी वो कैब को याद करने का, ठीक है, वो है बुक। बुक बोले तो कॉमन चीज है, बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम की वोकैबुलरी की बुक आती है। मैं यहाँ पे कोई बुक रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज कोई भी बुक बुरी नहीं होती, कोई भी बुक अच्छी नहीं होती, डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो। तो बुक ले लीजिएगा, बहुत सारी वोकैब की बुक्स आती हैं, वो वोकैब की बुक जो है आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा मैनीमोनिक एक चीज होती है, मैनीमोनिक्स इन द सेंस, जैसे मान लो, मान लेते हैं एक वर्ड एडिकेट, ठीक है, अब इसका मतलब होता है तो गिव अप द थ्रोन। अब इसको मैनीमोनिक से याद किया कि अब दिक्कत इन द सेंस, अब थ्रोन छोड़ना पड़ेगा, इसे बोलते हैं मैनीमोनिक। इन द सेंस उस वर्ड से कोई और सिमिलर वर्ड बना लो, उस वर्ड से कोई और सिमिलर वर्ड बना लो, जैसे फोरा एक वर्ड होता है, नोरा बन गया, नोरा जब आती है तो इन्वायरमेंट में मजा बन देती है, फोरा से याद रहा नोरा, ठीक है। जक्स्टापोज एक वर्ड होता है, जक्स्टापोज, तो इसको मैंने याद रखा था जस्ट अपोज, इससे मैं याद हो गया तो इन द सेंस बस उस समय के लिए, उस पल के लिए, जस्ट अपोज। तो ऐसे कुछ होते हैं मैनीमोनिक्स जिसको आप यूज करके रियल लाइफ में उससे सिमिलरली कोई वर्ड निकाल के आप रूट वर्ड को याद कर सकते हो। ये कई बार फनी लगता है, कई बार टाइम वेस्टिंग लगता है, लेकिन इससे याद हो जाती हैं चीज़ें, जैसे प्रोडिगी मतलब पड़ गई, मोटी हो गई, ठीक है, प्रोडिगल खर्चीला, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है यार रूट वर्ड, या इसे बोलते हैं जुगाड़, ठीक है, तो जुगाड़ लगाइए इंग्लिश का, इससे भी रूट वर्ड याद हो जाते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसका अगर आपने इस्तेमाल किया है तो 10 दिन में जो है आपके आपके रूट वर्ड वो कैप्स बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे और टू बी वेरी ऑनेस्ट से आपके बहुत काम आने वाले हैं। को ये आ चुका है आप लोगों के सामने एज क्लोजर टू एचिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी टाइप का एग्जाम कर रहे हो, किसी भी टाइप का, ठीक है, आप जो है हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो भी 20% ऑफ पे। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 20% ऑफ, और आपको कोड क्या लगाना, आपको कोड लगाना है RD100। लेकिन हाँ ये सिर्फ 13 मई तक वैलिड है, तो जाओ भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी भी टाइप का एग्जाम हो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को पता है भी हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पेपर में जाने से पहले पेपर को पढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं। वो क्या, वो है आपका मॉक टेस्ट। आप जाइए, वो भी प्रिंटेड मॉक टेस्ट लीजिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में, और आपके जो है डोर स्टेप पे आएगा ये मॉक टेस्ट, ठीक है, आपके सामने देखा सब कुछ। ये आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वही RD100 जो लगाना है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी चल रहा है, इसकी डेट ये है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसमें कुछ फ्री है, कुछ पेड है, जैसे भी हो सब कुछ ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। एनरोल जब करने बैठेंगे तो यहाँ भी कोड लगाइएगा, रेट 100 में 100, RD100, ठीक है जी। और हमारे बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाए रहे हैं, द वॉरियर बैच द, और ये भी नया बैच आया है भाई साहब, DULLB का, PG लॉ के DULLB का, 27 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ है। इस कोर्स को भी जोड़ सकते हो, जिसमें कौन कौन है हमारे, कीर्ति मैम, अग्नि मित्रा मैम और रघुवेंद्रा प्रताप सिंह, वाओ कितना महंगा नाम है यार ये, ठीक है जी। तो बाल को इन सभी टीचर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, बढ़े तरीके से पढ़ सकते हो, और हम तो आपको पढ़ाए रहे हैं। और थैंक यू सो मच, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गाइस बाय, टेक केयर, बाय।